उसके बाद फरमाया गया कामयाबी ये नहीं है कि दुनिया में आप कामयाब हो जाओ, यहाँ की एक टीम जीतती है बाद में हारती है, हार जीत का मसला लगा हुआ है। आज कोई हार गया कोई जीत गया, आज कोई फकीर है गनी हो गया, असल हार जीत क्या है? कयामत की हार जीत है। वहाँ जो एक दफ़ा हार गया हमेशा के लिए हार गया, जो जीत गया हमेशा के लिए जीत गया। नो ऑप्शन, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। फरमाया गया लॉ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक दिन से सबको मरना है। अल्लाह फरमा रहे वह इन्नमा तुवफ़्फ़ुना उजूरकुम यौमल क़ियामत, तुम्हें क़ियामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाने वाला है। तो फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, दर हकीकत वही कामयाब हुआ। ही बिकेम सक्सेसफुल, हकीकत में वही हुआ। कौन कामयाब हुआ? फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल, फकत फाज वो कामयाब हो गया। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी जिसमें उलझो, अरे ये धोखे की सामान, धोखे की टट्टी है, धोखे का सामान नहीं है, धोखे में डाला हुआ है शैतान ने तुमको। 60-65 साल के बाद कहानी खत्म तुम्हारी, द स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश, द स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश, बाकी कहां रहोगे? उसके बाद सूरह निसा है, इसमें सबसे पहले यतीमों का बयान है। ये सोसाइटी और मुआशरे का सबसे कमजोर तबका है, बाप नहीं है ना, कहा गया कि इनके साथ हुस्न सलूक करो, हुस्न सलूक करो इनके साथ। अगर कोई आदमी यतीमों के साथ हुस्न सलूक करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे साथ जन्नत में इस तरह आएगा, आपने दोनों उंगलियों को सब्बाब और उस्ता को मिला करके बताया, इतना करीब होगा मेरे। ये मुआशरे का सबसे कमजोर तबका है, और इसमें बताया गया कि जब सबसे कमजोर तबके की कोई इमदाद करता है तो इससे ऊपर के तबके की जरूर इमदाद करेगा, अल्लाह ये बताएगा। उसके बाद फरमाया गया कि तौबा उनकी नहीं है जो गुनाह करते रहते हैं, बल्कि तौबा किन की है? वलैसतित तौबतुलिल्लज़ीन यअमलून सय्यिअ, तौबा उनकी नहीं है जो गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुबतुलान, फरिश्ते को देख लिया तो कहते अब ईमान लाए, फरिश्ते को देख लेने के बाद ईमान मोत, वो तौबा मोतबर नहीं है, ईमान मोतबर नहीं है, तौबा मोतबर नहीं है। जब तक फरिश्ता दिखता नहीं, अभी ये दिखाई नहीं दे रहे ना, ये दिखाई देंगे एक दिन, ये दिखाई देने वाले। तो फरिश्ता दिखाई जब दे जाए, जब तक दिखाई नहीं दे रहा है तब तक तौबा का दरवाजा खुला, दिखाई दे गया तौबा का दरवाजा स्लैम शट बंद हो गया। तो फरमाया गया कि इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यअमलून सुअ बिजहालतिन, नादानी से कर लेते हैं कोई गुनाह, सुम यतूबून मिन करीबिन, जल्द ही तौबा कर लेते हैं। इसकी तफसीर की गई है कि जल्द का क्या मुराद है, करीब से क्या मुराद, सुम यतूबून मिन करीबिन, करीब ही तौबा कर लेते हैं। हज़रत इब्न उमर की रिवायत है, अब कहीं इंशाल्लाह जुमा का खिताब जिंदा रहे तो तौबा के ऊपर है, बहुत शानदार उनवान है, पहले पहुँच जाओ, बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो सुम यतूबून मिन करीबिन, करीब ही तौबा कर लेते हैं। करीब तौबा कर लेने का क्या मतलब है? अल्लाह तबारक ताला तौबा को कबूल करता मालम युगरगिर, जब तक गरगरा ना आ जाए। जब गरगरा आ गया तो अब आदमी बोल नहीं सकता, अपने हालात को बयान नहीं कर सकता, अब सामने फरिश्ते आ गए सब अपने बयान। तो गरगरा आने से पहले तक इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मालम युगरगिर, अल्लाह बंदे की तौबा को कबूल करता जब तक गरगरा ना आ जाए। तो गरगरा आने से पहले अगर किसी ने तौबा कर लिया, सुमयतूबुन मिन करीबिन, समझो उसने ताबा मिन करीबिन, अनकरीब उसने तौबा कर लिया। लिहाजा तौबा के बारे में बहुत मोहतात रहो, बी केयरफुल अबाउट इट, इसलिए कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, आपको तौबा की तौफीक ना हो। लिहाजा हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहो, और तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। उसकी फजीलत क्या है जुमा में इंशाल्लाह बयान। तो ये रहा चौथे पारे का खुलासा, अल्लाह तबारक ताला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।